हेलो एवरीवन, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेट्स का। अब एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग अच्छे से बने रहिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आधे भी सारा डिस्कस करेंगे। सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अब ये सब डिस्कस करना भी जरूरी है, तो डिस्कस कर लेते हैं। पहला है मीट द रेट स्टेटमेंट बाई फिलिंग द सिम्बॉल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। सबसेट है या नहीं है ये हमें पता लगाना है। 2, 3, 4 इज सबसेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5। तो 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 में है, हाँ 2 है, 3 है, 4 है, हाँ तीनों है, तो ये सबसेट है। अब आप देखिए ए बी सी बी सी डी में है, ए बी है, सी है, लेकिन ए तो नहीं है, तो ये सबसेट नहीं हुआ ना। इसका इस सबसेट का क्या मतलब है, वैल्यू प्रजेंट होना चाहिए। मेन जो सेट है उसके अंदर वैल्यू प्रजेंट होना चाहिए, तो वैल्यू ए तो है ही नहीं, तो ये सबसेट कैसे होगा, ये तो नया एक एलिमेंट आ गया, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हो नहीं पाएगा। क्योंकि मेन सेट तो ये है और ये तो सबसेट है, तो सबसेट तो सेट के एलिमेंट से ही बनता है ना, तो इसमें ए एलिमेंट तो मिसिंग है, ए एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर ये सेट इसका नहीं हुआ। तीसरा, एस सच दैट एस इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल का स्टूडेंट है क्लास 11th का, ये है एस जो है वो क्लास 11th का स्टूडेंट है तुम्हारे स्कूल का, और यहाँ क्या है एस जो है तुम्हारे स्कूल का स्टूडेंट है, तो तुम्हारे स्कूल जो है वो सेट है। उसी के अंदर तुम्हारा क्लास भी आता होगा जो कि 11th है, तो ये 10th का भी होगा, तो ये 9th का भी होगा, तो 8th का भी होगा, वो सब होगा तुम्हारे स्कूल के अंदर, 1, 2, 3, 4 सब होगा, 9, 10 सब होगा। तो तुम्हारा 11th में आता है, तुम्हारा 11th में है, तो 11th जो है वो स्कूल के अंडर ही तो आता है, पूरा स्कूल में तो सारा क्लास है, उसमें तुम्हारा भी एक क्लास आता है, तो उसके अंडर ही आता है, तो ये सबसेट होगा। सबसेट का साइन ऐसे, सबसेट होगा। अब एस सच दैट एस इज ए सर्कल इन द प्लेन, इसका क्या मतलब है, एस इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। ये नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि एक प्लेन है, मान लीजिए एक प्लेन है उस पे एस सर्कल है, इसमें क्या बोला गया कि एस सर्कल है प्लेन में, तो यहाँ पे हुआ। लेकिन अगर रेडियस 1 बोल दिया जाएगा तो यहाँ पे रेडियस 1 होगा, तो ये तो 2 के आसपास ही आ पाएगा, 2 के बीच में ही रेडियस अगर 1 बोल दिया जाएगा तो 2 के आसपास ही जाता रहेगा, क्योंकि इतना रेंज नहीं हो पाएगा। तो प्लेन में तो कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ 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 पे भी हो सकता है, एस प्लेन में तो कहीं पे भी हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिलोंग्स टू नहीं होगा, क्योंकि कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे वन रेडियस दे दिया तो एक लिमिट डाल दिया, हो सकता है 1 रेडियस से ऊपर, 1 रेडियस से नीचे हो, पॉसिबिलिटी है, तो ये लिमिट डाल दिया, उसके लिए नहीं हो पाएगा। पांचवा, एस सच दैट एस इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, एस जो है एक ट्रायंगल है प्लेन में। दूसरा यहाँ क्या है, एस इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, तो एस जो है रेक्टेंगल है प्लेन में, तो ये दोनों बहुत ही अलग हो गया, क्योंकि एक प्लेन है, इसमें एस जो है वो ट्रायंगल है और दूसरा एस रेक्टेंगल है, तो इस दोनों में सिमिलरिटी कहाँ आया, तो सिमिलरिटी नहीं ना आया, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है। मान लीजिए यहाँ पे ये देता कि एस इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे देता मान लीजिए एस सच दैट एस इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहाँ पे देता एस सच दैट एस इज ट्रायंगल, तो फिर ये बिलोंग्स टू होता। मान लीजिए यहाँ पे देता कि एस इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल और यहाँ पे देता एस इज ए ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल के अंदर आइसोसेलस भी आता है, इक्विलेटरल भी आता है, तो ये तो हो जाता, लेकिन ये नहीं हुआ। राइट भी आएगा, सब आएगा, लेकिन इसमें तो ये नहीं है, ये तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल एकदम अलग है, तो ये सबसेट नहीं हुआ। अब आगे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था, दो और पार्ट्स हैं, वो भी हम लोग देखे। पहले था 1.3 था, पहले था छठा, ठीक है। एस सच दैट एस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, एस जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और यहाँ एस सच दैट एस इज ए ट्रायंगल, जो अभी मैंने पिछले बार डिस्कस किया था, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बोले और यहाँ बोले थे एस इज ए ट्रायंगल, सेट में ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में सब आ गया, इक्विलेटरल भी आ गया, आइसोसेलस भी आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल भी आ गया, तो तीनों आ गया, तो ये प्रेजेंट है, तो ये इसका सेट होगा, सबसेट होगा। अब एस सच दैट एस इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर यही होगा, बोल रहा है कि इवन है, ये बोल रहा है कि ये इवन है, और ये बोल रहा है इंटीजर है, तो इंटीजर में ऑड भी आ गया, इवन भी आ गया, जीरो भी आ गया, सब आ गया, तो तीनों तो तीनों कंसीडर हो जाएगा, तो फिर ये सबसेट होगा या नहीं होगा, सबसेट होगा। तो इतना हम लोग का पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब आगे जाते हैं,
अब एक्सरसाइज 1.2 1.3 था ही। दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे पहले आप लोग दो सिंबल देते रहे होंगे, एक सिंबल देते रहे होंगे ये, दूसरा सिंबल देते रहे होंगे ये, दोनों का क्या मतलब है ये मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग सवाल पे चलते हैं ताकि आप तो समझने में आसानी होगा। इसका मतलब है सबसेट और इसका मतलब है बिलोंग टू, और इसका मतलब या फिर इसका मतलब भी आप तो पता ही होगा सच दैट। तो ये सब मैं अपने थ्योरी वाले पार्ट में अच्छे से डिस्कस किया हूँ। जब मैंने थ्योरी डिस्कस किया तो मैंने डिस्कस किया ये सच दैट हुआ, ये सबसेट हुआ, ये बिलोंग्स टू हुआ, मैंने डिस्कस किया हुआ। अब हम सवाल पे आते हैं। देखिए ए बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी डी। बी ए है और बी है, दोनों ए और बी दोनों प्रेजेंट है, तो ये तो सबसेट है ना। ये बोल रहा है नॉट ए सबसेट, तो ये फॉल्स हो गया। नॉट क्रॉस है मतलब नॉट, और ये मतलब सबसेट, ये नॉट, वैसे नॉट बिलोंग्स टू मी ये और बिलोंग्स टू मी ये आप समझ रहे हैं। तो ये है, तो ये फॉल्स हो जाता है। तो ये सबसेट तो है जो कि बी और सी दोनों, बी और ए दोनों प्रेजेंट है, वैसे ए और ई एस सच दैट एस इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो एस जो है वो वॉवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, तो एस जो है भी वॉवेल है, तो ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, तो दोनों तो है तो ट्रू होना चाहिए, क्योंकि दोनों वॉवेल तो है और एस तो यही बोला था एस इज ए वॉवेल। अब 1 2 3, तो 1 और 3 तो है पर 2 नहीं है, तो ये बिलोंग्स टू है मतलब ये सबसेट है, नहीं है ना सबसेट। उसके बाद ए, ए जो है ये ए बी सी में सबसेट है, हाँ है, क्योंकि ये जो है इसका सबसेट कैसे लिखेंगे, एक लिख देंगे ये, एक लिख देंगे बी, एक लिख देंगे सी, एक लिख देंगे ए बी, एक लिख देंगे बी सी, एक लिख देंगे सी ए, और ए तीनों, ये सबसेट हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं सबसेट, और कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। तो ये सबसेट होगा ना, तो ये होगा, तो ये ट्रू। अब ए जो है ये बिलोंग्स टू ए बी सी है या नहीं है, आप बताइए बिलोंग्स टू है या नहीं है। नहीं है, पूछिए क्यों नहीं है, क्योंकि ये बिलोंग्स टू जो होता है बिलोंग्स टू, उसमें ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ब्रैकेट नहीं होता, जब सेट होता है तो ब्रैकेट लगाते हैं। ये तो बिलोंग्स टू के टाइम पे हम लोग हमेशा अगर इस जगह पे ये होता ए बिलोंग्स टू ए बी सी तो होता, क्योंकि ए एक एलिमेंट है, एलिमेंट में हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाते हैं बिलोंग्स टू के टाइम पे। अगर सबसेट की बात होती तो फिर ब्रैकेट लगा होना चाहिए, पर यहाँ पे जब सबसेट की बात हो, लेकिन जब यहाँ पे बिलोंग्स टू की बात हो तो एक एलिमेंट है, क्योंकि हम उसके अंदर का ये सबसेट ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ब्रैकेट नहीं दिखाते हम लोग, यहाँ ब्रैकेट दिखा दिया। अगर ब्रैकेट नहीं होता तो फिर ये बिलोंग्स टू होता, क्योंकि ये एलिमेंट है। अब एक मान लीजिए अगर इस जगह पर ये होता ए बी सी तो फिर होता बिलोंग्स टू, मैं एक बार क्लियर करता हूँ। मान लीजिए फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये ऐसे दिया होता कि ए बी सी तो फिर होता थी ये बिलोंग्स टू, तो यहाँ एक एलिमेंट है, यहाँ पे तो ए सिर्फ है, तो ए में नहीं होगा, ए बी सी नहीं होगा, ये फॉल्स है, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा आप समझे, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट ये ब्रैकेट डाल दिया, ब्रैकेट दे दिया तो ये सबसेट हो गया। ब्रैकेट में हम लोग जब सबसेट बनाते हैं तो ब्रैकेट डालते हैं ना, जब सबसेट बनाते हैं तो ब्रैकेट डालते हैं, ये बिलोंग्स टू में ब्रैकेट डाल दिया है, बल्कि बिलोंग्स टू में हम लोग सिर्फ एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो ए एक एलिमेंट है जो ए बी सी सबसेट से बिलोंग्स करता है, और जब सबसेट देते हैं तो सबसेट ब्रैकेट में के अंदर सबसेट है जो ए बी सी का ए बी सी सेट का सबसेट है, उस टाइम पर ये देखते हैं। अब देखिए लास्ट छठा, एस सच दैट एस इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये एस जो है एक इवन नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर है, और यहाँ क्या लिखा है, ये सबसेट ऑफ एस सच दैट एस इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड बाय 36। एस एक नेचुरल नंबर है जो कि 36 से डिविजिबल है। तो जब s such that s is an even natural number less than 6, तो even natural number less than 6 क्या लिखेंगे हम लोग, even number क्या होता है 2 और 4 है जो even number है, even natural number है, और ये 6 से छोटा है, और ये number divisible by 36 तो जो divide कर पा रहा है, तो 2 divide कर सकता है, 4 divide कर सकता है, 6 divide कर सकता है, ये कर सकता है, बाकी 6 तक ही लेते हैं। तो less than 6 है, तो ये जो है 2 और 4 दोनों में प्रेजेंट है, तो ये सबसेट है ना, ये जो है इसका सबसेट हुआ या नहीं हुआ,
तो इसमें भी 2% है, इसमें भी 2% है, इसमें भी 2% है, इसमें 6% है, तो कोई बात नहीं, तो सबसेट तो हम बोल सकते हैं ना, सबसेट तो है, तो कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है, कुछ एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, तो सबसेट तो हम लोग बोल सकते हैं।